ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशत सम्भ्रमतेज्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दत्वकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ पोथीपूजन माटे गोविन्दमादिपुरुषम् पोथीजी की पूजन के लिए यजमान मनोरथी परिवार अर्चना जी और अनिल गुप्ता जी अक्षित गुप्ता वेदिका गुप्ता और मेहमानों में से संध्या खंडेलवाल और श्रुति खंडेलवाल से भी निवेदन है कि वो ऊपर पधारे और पूजा में सम्मिलित हो। कैलाश अग्रवाल दीक्षित अग्रवाल ललित शर्मा और नीरू जैन आप सबसे निवेदन है कि कृपा करके मंच पर पधारे और श्रीमद् भागवत जी की इस दिव्य पूजा में सम्मिलित हो। गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः इदं विष्णुर्वीचक्रमेत्रे दानि दधे पदम् समूढमस्य पाग्नो सुरे स्वाहा विष्णोररातमसि विष्णोः स्तत्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ भूर्भुवः स्वः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटवलाब्जे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालतीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेन आवाह स
बुधनिया उपमा अस्य विष्टाः निमसतश्च विवाह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रेण नैवेद्यं जलेन संप्रोक्ष्य देन्वा अमृतीकृत्य चक्रेण संरक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये पानीयं समर्पयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोंशीर्णोर्द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकां अकल्पयन्। पुनः ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। पूर्वोत्तरा पोषणम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम समर्पयामि वदनाम्बुजयाचमनीयम समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं। श्री भागवत भगवान की जय। आनंद विग्रह अनादि राधे गोविंद मनोरथी परिवार और सभी आमंत्रित मेहमानों के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का पूजन संपन्न हुआ। पूज्य गुरुदेव जी का भाव पूजन भी इन्हीं लोगों के कर कमलों से होगा। इस कथा का लाइव टेलीकास्ट धर्म संदेश चैनल पर और sandipani.tv यूट्यूब चैनल पर हो रहा है और डी लाइव आस्था भजन पर आस्था यूके आस्था यूएस और कनाडा पर डी लाइव भी हो रहा है। इसके माध्यम से भी जो लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उनका भी अभिवादन करते हुए उनके अंतरात्मा में विराजते हुए परमात्मा को वंदन। दिव्य परमहंसों की संहिता परमात्मा का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत को वंदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत के दिव्य तेजस्वी और तपस्वी प्रवक्ता पूज्य गुरुदेव पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में वंदन। इस्कॉन से पधारे हुए सभी संत वृंद को भी प्रणाम नमस्कार हरे कृष्ण। पूज्य भाई श्री के आगमन पर जिस प्रकार इस्कॉन के इस संतों ने बावा वेश में संकीर्तन करते हुए उनका स्वागत और अभिवादन किया इनकी शोभा देखते ही बनती थी। फिर एक बार उनके चरणों में प्रणाम सबको हरे कृष्ण। दो दिन पहले मैंने बताया था पूज्य गुरुदेव पूज्य भाई श्री के आशीर्वाद से उनकी निश्रा में उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से 3 शैक्षिक संस्थाएं चलाई जा रही है। आज फिर एक बार पुनः आपको याद इसलिए दिला रहा हूं। एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है पूज्य भाई श्री की प्रेरणा से। उनका ये संकल्प है, एक संकल्प है भारतीय सनातन वैदिक परंपरा की इस ज्योत को प्रज्वलित रखना। इस संकल्प की परिपूर्ति हेतु संस्कृत पाठशाला चलाई जा रही है सांदीपनी गुरुकुल पोरबंदर में, जिसमें 300 छात्र हमारी वैदिक सनातन परंपरा का बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ से तैयार हुए ऋषि कुमार आज पूरे विश्व में हमारी इस धरोहर को संभाले हुए हैं। और भाई श्री के मन में, उनके हृदय में सदा ही पिछड़े वर्गों के शिक्षा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इसलिए सांदीपनी गुरुकुल पोरबंदर में अंग्रेजी व गुजराती माध्यम की केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक के 2 शैक्षिक संकुल चल रहे हैं। पूज्य भाई श्री की जन्मभूमि देवका में भी और आदिवासी बहुल क्षेत्र डांग जिला गुजरात में, वहाँ आदिवासी बच्चों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए, और ये 3 शैक्षिक संकुल, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि
गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ एक्सलेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एडॉप्ट किए गए हैं। डांग जिले का हमारा ये शैक्षिक संकुल वन ऑफ द ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड स्मार्ट क्लासेज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड विदाउट एनी गवर्नमेंट एड। और पोरबंदर की जो शैक्षिक संस्था है वो DLS डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स स्कूल के लिए सिलेक्ट हुई है गुजरात सरकार के द्वारा। अभी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत बेस्ट स्वच्छता स्कूल का अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हो रही है, शिक्षा में भी, बोर्ड में भी, बोर्ड की परीक्षाओं 10वीं और 12वीं में भी इन तीनों संस्थाओं से तेजस्वी छात्र बाहर आ रहे हैं पूज्य भाईश्री की निश्रा में। पूज्य भाईश्री चाहते तो आज अपनी पोरबंदर सांदीपनी की कुटिया में बैठकर साधना कर सकते हैं, लेकिन वो कथा के लिए इसलिए निकलते हैं। दो कारण है, एक इस शैक्षिक संस्थाओं को जीवंत रखने के लिए और दूसरी हमारी इस वैदिक सनातन परंपरा और धर्म को जीवंत रखने के लिए पूज्य भाईश्री ये कार्य कर रहे हैं। ये जीवन बड़ा विपरीत है। किसी ने पूछा जीवन की वास्तविकता क्या है, तो बड़ा ही अच्छा जवाब मिला कि जीवन की वास्तविकता यही है कि बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में होम अलोन, ये जीवन की वास्तविकता है। लेकिन अलोन और लोनलीनेस, एकांत और अकेलेपन में बहुत ही फर्क है। एकांत हमने खुद चुनी हुई परिस्थिति है, लेकिन अकेलापन परिस्थितियों के कारण होता है कि या हम सामाजिक बहिष्कृत हो चुके हैं या घर से या परिजनों से बहिष्कृत हो चुके होते हैं तो अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन ओशो ने इन्हें अच्छी तरह से परिभाषित किया है। अकेलापन मतलब मैं अकेला हूँ, दयनीय स्थिति है, लेकिन एकांत मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आई एम हैप्पी विथ माई अलोन। तो कहना यह है कि ये हमें ये सिखाता है, रिश्तों की अहमियत सिखाता है श्रीमद् भागवत रामचरितमानस, पारिवारिक गाथा ये है। रिश्तों के लंबी कतारों से मुझे कोई मतलब नहीं, किसी शायर ने कहा है, रिश्तों के लंबी कतारों से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई दिल से हो मेरा ऐसा एक ही शख्स काफी है। ये दिल्ली तो दिलवालों की दिल्ली कही जाती है, बहुत सुना है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली दिलवालों की कही जाती है। और दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों हुआ इसके बारे में भी बहुत ही मान्यताएं, बहुत ही इतिहास है, बहुत ही किंवदंतियां प्रचलित है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये है कि दिल्ली नाम दहलीज से शायद उतरा है। दहलीज का मतलब होता है चौखट। गंगा और सिंधु सभ्यता का ये प्रवेश द्वार है दिल्ली, ये चौखट है, ये दहलीज है, और दहलीज अपभ्रंश होकर दिल्ली बना है, ऐसा विकिपीडिया में लिखा। तो इस दिलवालों की दिल्ली में आप सब दिलवाले जब यहाँ बैठे हैं तो आइए पूज्य भाई श्री के श्रीमुख से हम इस परमहंसों की संहिता का, परमात्मा के वांग्मय स्वरूप की रसधारा का पान करें और इस रसधारा को भाई श्री के श्रीकंठ से, श्रीमुख से सुनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये हमारा सौभाग्य है, अर्चना जी और अनिल जी के निमित्त से हम ये सुन सकते हैं। पूज्य भाई श्री की कृपा हुई, भाई श्री ने कहा कि मैं तो कथा करता हूँ, देता वो है, लेकिन देने के बाद आप जो करते हैं वही अपने आप में एक उपलब्धि है। हम सब सौभाग्यशाली है, लेकिन एक विनती है आपसे, आप सब कथा सुने तो कथा के कुछ प्रोटोकॉल का पालन करें, आप मनोआयाम से सुने। कहाँ बैठे हो इसका महत्व नहीं है, किस तरह बैठे हो, कैसे सुनते हो, इसका महत्व है। एक व्यवस्था के तौर पर आगे या पीछे बैठना हो सकता है, लेकिन स्थान का महत्व नहीं है, सभानता का महत्व है। आप किस प्रकार से कथा सुनते हैं इसका महत्व है। अपेक्षा है आप इस पर खरे उतरेंगे। आइए पूज्य भाई श्री से विनती करते हैं कथा का प्रारंभ करने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरुदेव।
नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो वंशे विभूषितकरान् विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधनविधौ स्मरण श्रीद्वारकाधीश की जय।
श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। Thank you.
Oh,
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं सत्यं परं धीमहि श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। प्रणाम परम कारुणिक भगवान श्रीहरि के दिव्य चरण कमल में श्री रुक्मिणी द्वारकानाथ प्रभु के और यहाँ मंदिर में विराजित सर्व देव स्वरूपों को प्रणाम। वंदनीय विप्रवृंद, संतवृंद, भक्तवृंद, भक्तिमती माताओं और विज्ञान के माध्यम से
इस कथा प्रवाह के साथ जुड़े हुए देश और विदेश के सभी सत्संग प्रेमी श्रोताजन, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण, हरिओम, हरे कृष्ण। एक स्वरूप जिस मंदिर की सन्निधि में बैठकर हम सत्संग कर रहे हैं, उसके गर्भगृह में विराजमान है। एक स्वरूप यहां पर विराजमान है श्रीमद् भागवत के रूप में, ये भी मंदिर है, मंडप नहीं मंदिर है। ये कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ है, ये साधना का सत्र है। जिस प्रकार वहां मंदिर में गर्भगृह है, यहां ये मंच है, ये गर्भगृह है, ये ऑल्टर है। और श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात भगवान यहां पर विराजित है। श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, व्यास जी कहते हैं, जिसको तुम श्रीमद् भागवत कह रहे हो वो साक्षात श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण का ही यह वांग्मय स्वरूप है, शब्दात्मक रूप है। मंदिर में जो स्वरूप विराजमान है वो अर्चा विग्रह कहलाएगा, वो अर्चा के लिए है। वह नित्य पूजा, पूजा का जो क्रम है नित्य का, कि इतने समय मंगला होगी, इस समय पर ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन हो गए, इस समय पर भोग आएगा, इस समय प्रातः आरती, इस समय राजभोग, इस समय राजभोग की आरती, या इस समय अनवसर हो जाता है दोपहर में थोड़े समय के लिए भगवान को विश्राम, इस समय में फिर से उत्थापन, फिर संध्या समय में सायं आरती इत्यादि का जो क्रम होता है, और फिर इस समय पे शयन। हमारे यहां गुरुद्वारों में इतने बजे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, ये कहते हैं। वैष्णव मंदिरों में मंगला, गुरुद्वारे में इतने बजे प्रकाश, कितना प्यारा शब्द है। जहां गुरु है वहां प्रकाश है। गुरु मानिए ग्रंथ, दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद फिर किसी व्यक्ति को नहीं, ग्रंथ को ही गुरु भाव से देखने की परंपरा शुरू हुई। ग्रंथ ही गुरु है, और जहां पर गुरु है वहां प्रकाश। गुरु कहते ही उसको है जो शिष्य के अज्ञान अंधकार को अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा मिटावे। गुकारोस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु माने अंधकार,
रू मतलब प्रकाश, शिष्य के अज्ञान अंधकार को जो अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा मिटा देता है वो है गुरु। गुरु भारी वजनदार, कागज से काम है आप लोगों का, ऑफिस में दफ्तर में काम कर रहे हो और गर्मी भी है, पंखा भी चलाना है, कहीं कागज उड़ न जाए, एक पेपर वेट रख दिया गया। लालच की हवा ऐसी चल रही है कलिकाल में कि हम कहीं उड़ न जाएं, धर्म के पथ को छोड़कर हम कहीं दूर न चले जाएं। अतः सद्गुरु की शरण आवश्यक, वो रक्षा करते हैं, इधर उधर जाने नहीं देते, भटकने नहीं देते। और हमारे यहां सनातन धर्म में लक्ष्य से च्युत हो जाना उसी को पतन माना गया है। पतन क्या है कि जुआ शराब अय्याशी इत्यादि की आदत हो गई, पतन हुआ नहीं। पतन का मतलब है लक्ष्य से च्युत हो जाना, चूक गए लक्ष्य को हम, दिशा हमारी बदल गई, रास्ता भूल गए, ये पतन है। और जिस तरह भगवान की प्रतिज्ञा है कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, गीता में भगवान की प्रतिज्ञा, तुम समझ लो अर्जुन मेरे भक्त का पतन नहीं होता, मैं उसको गिरने नहीं देता जिसने अपना जीवन मुझे सौंपा है। केवल वाणी से नहीं, जो पूर्ण मन से सद्गुरु के प्रति समर्पित हो गया है, सद्गुरु भी हमारा भगवान है और वो हमको लक्ष्य से च्युत नहीं होने देते, इधर उधर भटकने नहीं देते, कहीं लालच की हवा, काम क्रोध लोभ का आवेग तुम्हें लक्ष्य से च्युत न कर दे। गुरु जो वजनदार है, जो भारी है, हल्का नहीं है, गुरु है। अरे आदमी कोई हल्की बात भी कह देता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, बड़ी हल्की बात कह दी उन्होंने। हल्की बात भी हमें स्वीकार्य नहीं है तो हल्का आदमी, कभी भी उड़ जाए, आज बोला कल फोक, कल भूल जाए, अपने शब्दों की जिसको कोई कीमत नहीं। भरोसे के लायक नहीं जो, जबकि सद्गुरु में हमारा पूर्ण विश्वास, कल हमने चर्चा करी थी ना, विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरुवाक्येषु विश्वासः। आंख मूंद करके चल सकते हो गुरु के वचन पर, और जब ये मैं कहता हूं तो इसका तात्पर्य है जब गुरु से गुरुत्व बोले तो आंख मूंद कर चल सकते,
गुरु से गुरुत्व न बोले, माता से मातृत्व न बोले, पिता से पितृत्व न बोले, तो फिर सोच समझ करके करियो। और पुराणों की कथा में इसके दृष्टांत है कि बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य ने कहा था ये वामन दिखते हैं, ये साक्षात विष्णु हैं, तुम्हें लूटने आए हैं, सावधान। सुनकर बलि तो और खुश हो गए। शुक्राचार्य तो चाहते थे ये ना दे, इसको रोकने की कोशिश थी उनकी, लेकिन सुनकर बलि और प्रसन्न हो गए। सच में? और गुरुदेव की आंख धोखा नहीं खा सकती, ये साक्षात भगवान है। तो पात्रम किमस्मात् परम, दान देने के लिए भगवान से बढ़कर सुपात्र संसार में और कौन है? परमात्मा को तो सर्वस्व समर्पित होना चाहिए, इसलिए बलि ने सर्वस्व दे दिया। सर्व और स्व, दो पग में सर्व समर्पण और तीसरे पग में स्व समर्पण, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इससे क्या परिणाम निकलता है? बोले सर्व समर्पण से ममता मिट जाती है और स्व समर्पण से अहंता भी समाप्त हो जाती है। अहंता और ममता ही जीव को बांधने वाले। बलि मुक्त हो गए। देखा तुमने उस कथा में, भगवान बंध गए, चौकी पे लग गए, चौकीदारी करने लगे, बलि की रक्षा। कोई पूछे ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, मैं यदि आपको आईफोन भेंट करूं और आप वो स्वीकार कर लो तो आईफोन आपका हो गया, फिर उस आईफोन को संभालने की जिम्मेदारी आपकी हो गई कि नहीं? उस तरफ बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया, भगवान ने स्वीकार किया, बलि भगवान के हो गए। अब ये भगवान की जिम्मेदारी है कि अपनी चीज की रक्षा करे, इसलिए चौकीदारी। इसलिए भगवान के हो जाओ, कह दो कृष्ण तवास्मी, इसमें मजा यह है कि फिर भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। नाथ तवाहम, तो वहां मंदिर में जो श्री विग्रह है वो अर्चा के लिए, अर्चा या पूजा, और यहां श्रीमद् भागवत के रूप में जो श्री विग्रह है ये चर्चा के लिए। हम रोज 3.5 घंटा चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत पर। वक्ता कथा सुनावे, श्रोता दत्त चित्त होकर के सुने और कथा की यात्रा में चिंतन होता चले, भागवत के एक एक प्रसंगों पर, श्लोकों पर, सूत्रों पर दृष्टि करते हुए जीवन साफल्य का मार्गदर्शन प्राप्त करें। वांग्मयी पूजा होती है यहां। मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, तब भी भगवान, आपको पता है, आप मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, परिक्रमा करते हो, स्तुति करते हो, आप ये समझते हो कि आप ही वहां भेंट पेटी में कुछ 100, 50, 500 रुपया पधरा के आ गए, आप ही ने भगवान को दिया, आप कुछ लेके नहीं आते, भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया। अरे सामान्य आदमी भी यदि कोई किसी को भेंट दे तो रेसिप्रोकेट करता है, तो ये तो जगतपति है, वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। और किस तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं? बोले जब तुमने ठीक से दर्शन किया तो भगवान कहते हैं ले मैं ही अपने आप को दे देता हूं तुझे,
और भगवान तुम्हारी आंखों के रास्ते तुम्हारे हृदय में चले आते हैं। ले जाओ मुझे अपने साथ, मुझे ले चलो। तो जब दर्शन करने जाएं तो भगवान को मंदिर में छोड़ के ना आए। कृष्णा वॉन्ट्स टू कम विथ यू, ही वॉन्ट्स टू बी विथ यू ऑलवेज एवरी मोमेंट। मुझे ले चलो। दत्त दत्तात्रेय अत्रे अत्रि के पुत्र, इसलिए आत्रेय नाम है दत्त। क्यों? दत्तो मया अहम इति स भगवान दत्त, भागवत में लिखा। भगवान कहते हैं मैंने तुझको दिया क्या? बोले मुझको ही तुझे दे दिया, मुझे ही दे देता हूं मैं तुझे, ले चल। केवल कल्पना करो, आप केवल एक भाव करो कि मंदिर से जब निकलो तो कन्हैया तुम्हारा हाथ, कन्हैया तुम्हारे साथ है और हाथ पकड़ करके ओके आई एम सो लकी यू आर विथ मी, चलो चलो कन्हैया। इस तरह से संसार की यात्रा करते हैं और तब ये जीवन, ये संसार, ये भवाट भी नहीं। पंचम स्कंद में भवाटवी का वर्णन है तो दशम स्कंद में वृंदावन का। फिर ये भवाटवी नहीं रहेगी, ये संसार जो है भवाटवी, ऐसी अटवी खो जाता है आदमी जिस जंगल में, और उसके स्थान पर वृंदावन। वन भी तो वृंदा का, तुलसी जहां है प्रभु की प्यारी। ये पुरुषोत्तम मास है ना, अधिक मास, तो नित्य 1000 तुलसी से भगवान विष्णु की अर्चना होए। हमारे सांदीपनी में वैसे तो रोज होती है लेकिन इन दिनों में विशेष रूप से, और क्योंकि श्रावण है तो महादेव को भी बिल्वपत्र अभिषेक और भगवान विष्णु का भी अभिषेक और तुलसी अर्चना नित्य रोज करो। ये जो भी बच्चे हाथ उठा रहे थे ना, इसका तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन होते हैं ना सब यजमान मनोरथी, तो जब संकल्प लिया जाता है तो यजमान का भी गोत्रोच्चार, और उनके लिए नियुक्त जो ऋषि कुमार है वो भी कहता है कि मैं हूं आपका पुरोहित, और वो भी अपना गोत्रोच्चार करके, और तब इस तरह से विधिपूर्वक संकल्प होता है। एक यजमान के लिए एक ब्राह्मण होता है कायदे से, और इस तरह से पूजा होती है, इस तरह से भागवत का पाठ होता है सस्वर, और त्रिकाल संध्या करने वाले हमारे बच्चे और संस्कृत पढ़ने वाले तो शुद्ध पाठ विधिपूर्वक होना चाहिए। जो भी हम कुछ करते हैं, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से काम कर लेते हैं, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य भगवद गीता, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उसको सिद्धि नहीं मिलती, उसको सफलता नहीं मिलती, इहलोक में उसको सफलता नहीं मिलती, न पराम गतिम उसका परलोक भी नहीं सुधरेगा, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से धर्म कार्य करे। और कई लोगों के तो मनमानी करनी, फिर कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चित रूप से भाव के भूखे हैं, लेकिन तू स्वच्छंद क्यों हो रहा? शास्त्रों के अनुसार चलो, उसका नाम ही शास्त्र है, शास्ती जो शासन करता। यू आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। एक जिम्मेदार सिटीजन के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि रूल्स को फॉलो करो। तुम्हारे देश के जो कानून हैं, जो ऑर्डर है, उसको
फॉलो करो, उसका आदर करो, तदनुसार चलो, फॉलो द रूल्स एंड एंजॉय योर स्टे। उस तरह से धर्म के भी कुछ रूल्स होते हैं, विधि निषेध होते हैं कि इसी तरह से कराना किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। विधि निषेध, विधि ये करना चाहिए, निषेध ये नहीं करना चाहिए। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेध माय कलिमल हरनी, विधि निषेध माय कलिमल हरनी, कर्म कथारवि नंदनि बरनी, कर्म कथारविनन्दनि बरनि, कर्म कथारविनन्दनि बरनि, विधि निषेध माय कलिमल हर, और धर्म की बात आए तो विधि निषेध की बात निश्चित रूप से आती है, और तद अनुसार चलोगे तो क्या होगा, बोले ये कलिमल जो है मिट जाएगा। वैसे भी मल मास है और वैसे भी कली, तो कलयुग में मल बहुत है, और इस तरह से यदि चलोगे कलिमल हरनी, विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनि बर। तुलसीदास जी श्री यमुना जी को मानते हैं कर्म स्वरूपा, गंगा भक्ति स्वरूपा और सरस्वती ज्ञान स्वरूपा। जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी निरंतर प्रवाहित होती रहनी चाहिए। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनि बरनी। ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों की जरूरत है। घर की गृहिणी रसोई पकावे वो हुआ कर्म, कौन सी रसोई कैसे बनाना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया डिश बने वो, उसका ज्ञान होना चाहिए। और पति के प्रति प्रेम के चलते पत्नी पका रही है, या बच्चों के लिए प्रेम के चलते मां पका रही है, ये हुई भक्ति। वक्ता बोले 3.5 घंटा 4 घंटा लगातार बोले, ये हुआ कर्म। क्या बोलना है उसका होना चाहिए ज्ञान, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम के चलते बोले, ये हुई भक्ति। ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों की आवश्यकता है। तो भाई धर्म की बात आती है तो विधि निषेध की बात आती है। इन एवरी रिलीजन देर आर डूज एंड देर आर डोंट्स एंड यू आर सपोज टू फॉलो। पूजा इत्यादि में भी इस देव को ये फूल चढ़ेगा, इस देव को ये फूल नहीं चढ़ेगा। अभिषेक करते हो
तांबे के पात्र में दूध भर करके मत चढ़ाओ महादेव पर, अभिषेक नहीं करो तांबा और दूध, नहीं दही तांबे के पात्र में मत डालो। बिल्व पत्र चढ़ाने हैं उल्टा करके चढ़ाओ, तुलसी समर्पित करनी है, एक एक नमहकार के साथ भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करो। शास्त्रों की ये सब विधि है। एकादशी के दिन उपवास है तो प्रसाद में भी तुलसी मत खाओ, यदि प्रसाद के साथ भी आ जाए तुलसी, तुलसी नहीं खानी चाहिए, व्रत भंग होता है, ये शास्त्र विधि है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं खाना चाहिए। तो देर आर डूज एंड देर आर डोंट्स, और उसको फॉलो करना है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, तो शास्त्र विधि के अनुसार पूजा यज्ञ ये सब करो। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो मनमानी करोगे? कभी देखा देखी और कभी मनमानी, इसी से गड़बड़ हो जाता है। पड़ोसी के घर में उसके गुरुदेव पधारे, बैसाख का महीना था, उसने सब लोगों को बुलाया, 200-250 लोग इकट्ठे किए, हमारे गुरुदेव पधार रहे हैं, ठंडे जल से गुरुदेव के चरणा का प्रक्षालन किया, पधारे, ठंडे जल से गुरु को स्नान इत्यादि के लिए सब व्यवस्था करी, सब ठंडा ठंडा पेय शरबत इत्यादि। गर्मी थी, बैसाख का महीना, तो पड़ोसी को इतनी जलन हो गई देख करके, उसने सोचा अपने भी गुरुदेव को बुलाएंगे और इससे भी बड़े ठाठ माठ के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे सब। इसने 250 इकट्ठे किए, अपने 500 इकट्ठे, देखा देखी अपने भी करना है। तो पत्नी ने बोला लेकिन गुरु है ही कहां, पहले कोई गुरु तो हो जीवन में तब गुरु को बुलाओगे, अब इसने तो अभी तक कोई गुरु ही नहीं था उसके जीवन में। तो देखा देखी फिर किसी एक सीधे साधे महात्मा को मिलने गए, महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते। अब ये बात ही बड़ी विचित्र लगती है, तुम किसी को गुरु क्या बनाओगे भाई, हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम किसी को गुरु बनावे? अरे बनना ही है तो किसी के शिष्य बन जाओ, किसी को गुरु क्या बनाओगे? ये कहो कि महाराज हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें, कृपा करें। ये तो होती दीनता। और वो आता है तो कहता हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, बड़ी कृपा भाई आपकी बड़ी कृपा, आप गुरु नहीं बनाओगे तो फिर हम गुरु कैसे बनेंगे? अब चेलों के बनाए गुरु, चेलों के बनाने से यदि कोई गुरु है तो काहे का गुरु भाई, गुरु तो अपनी गुरुता से गुरु है, हम किसी को क्या गुरु बना रहे? हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, ये कहना ना समझी है, अहंकार उसमें ध्वनित होता है। ये कहो हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की कृपा करो, पूरी दीनता के साथ जाओ। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और सिद्धांतों की बड़ी बातें करने लगा, वैराग्य की बातें करने लगा, इन सबको मारने से मुझे त्रिलोक का राज्य मिले तो भी मैं नहीं चाहता कृष्ण, तो हस्तिनापुर की राजसत्ता के लिए मैं इन अपनों को क्यों मारूं, मेरे इन अपने स्वजनों के खून से
सने हुए भोगों को, राजगादी को, राजमहल को मैं भोगना नहीं चाहता। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, ना मैं नहीं चाहता। इससे तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊंगा, पांच घर की भिक्षा मांगकर पेट भर लूंगा। संजय जब आए ना धृतराष्ट्र के भेजने से विष्टि के लिए और पांडवों को समझाने के लिए, तो संजय ने यही सब समझाया पांडवों को। धृतराष्ट्र ने भेजा था संजय को अपने दूत बनाकर। इस तरह से युद्ध करके अपनों के साथ लड़ना और अपने कुल का क्षय करना, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। इससे तो वृष्णिवंशी और अंधकवंशी जो तुम्हारे मित्र राजा है उनके साथ रह करके उनकी दया पर भिक्षा, उनकी दया पर जीना, वही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। लेकिन युद्ध करके अपने ही कुल का क्षय, तुम तो समझदार हो, कभी ऐसा नहीं करोगे। और उस समय श्री कृष्ण वहां थे, तो पांडवों ने जवाब नहीं दिया, जवाब कृष्ण ने दिया, क्योंकि अब वो वहां है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, कृष्ण इज देयर। श्री कृष्ण के कहने के अनुसार जब तक पांडव चले हैं कोई समस्या नहीं आई, और समस्याओं से बाहर निकल गए कृष्ण के कहने पर चले तो। और जिस दिन बिना कृष्ण के सलाह के मनमाने ढंग से कुछ किया तो फंसे, किसमें? जुआ जो खेलने गए थे, द्यूत खेलने गए थे, तब कृष्ण को नहीं पूछा, तब कृष्ण वहां थे नहीं, और कृष्ण की सलाह लेना भी उचित नहीं समझा, वरना कृष्ण जाने ही नहीं देते। और फिर यह मान्यता कि राजा है कोई द्यूत के लिए निमंत्रित करे तो जाना पड़ता है, क्षत्रत्व की, अरे इसमें क्षत्रत्व की बात? एक बार सब हार कर आए तो फिर से धृतराष्ट्र ने बुलवाया, ये जो चंडाल चौकड़ी थी उसके बहकाने से, चंडाल चौकड़ी मतलब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, फिर से धृतराष्ट्र ने बुलाया, अगेन सेम गलती, भूल का रिपीटेशन देखो, फिर से गए। वैसे अब तो कुछ नहीं था, अरे बोले कुछ क्यों नहीं, तुम्हारे पास इतनी सुंदर पत्नी है द्रौपदी, रखो। और उसके बाद भी 12 साल का वनवास, 13वां वर्ष अज्ञातवास, शर्ते वो हारते चले गए। और युधिष्ठिर कोई पासा फेंकने में इतने कुशल होशियार भी नहीं थे, और धर्मराज है, और सामने उन लोगों ने शकुनी को नियुक्त किया, मना कर सकते थे युधिष्ठिर कि नहीं मैं तो दुर्योधन के साथ खेलूंगा, शकुनी बकुनी नहीं, शकुनी कौन होता है? गांधारी का भाई, उसके साथ हम क्यों खेल, हम खेलेंगे तो दुर्योधन के साथ खेलेंगे। उन लोगों ने शकुनी को निचली पायरी, उसको नियुक्त किया और उसके साथ खेलने लगे। कृष्णा वॉज नॉट देयर, यदि होते तो ये ब्लंडर ना होता, कृष्ण होने ना देते। और जब 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास पूरा करके लौटे और अपना हिस्सा मांगा, और इन्होंने देने से इनकार कर दिया, युद्ध की नौबत आई, तो धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा, और संजय इस तरह से बहला बहला के बातें कर रहा था
कि बहक जाते, ये तो सीधे आदमी है युधिष्ठिर। लेकिन आज कृष्ण है वहां पर उपस्थित और श्री कृष्ण ने जवाब दिया, डोंट वरी, मैं हूं, आई विल टेक केयर ऑफ इट। जिस तरह से श्री कृष्ण ने संजय को जवाब दिया है, ऐसी थप्पड़ शब्दों के द्वारा लगाई है। कभी महाभारत पढ़ो, यदि तुमको डर न लगे तो। आजकल हिंदुओं की तो दयनीयता यह है कि अपने ही धर्म ग्रंथों से डर रहे हैं। पढ़ो महाभारत, ऐसा ग्रंथ है कि कहते हैं महाभारत में जो है वही सब कुछ है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है। अथ श्री महाभारत कथा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। रामायण महाभारत हमारे दो इतिहास ग्रंथ है। इतिहास इसलिए है कि हम उससे कुछ सीखें। अनफॉर्चुनेटली मानव समुदाय का आज तक का इतिहास ये रहा है कि वो इतिहास से कुछ सीखा नहीं। And that's why it is said that history repeats itself। इतिहास अपने आप को दोहराता है। कारण यही है कि हम सीखे नहीं कुछ। रामायण इतिहास है, महाभारत इतिहास है, और रामायण सिखाती है क्या करना चाहिए और महाभारत सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए। विधि रूप धर्म रामायण से और निषेध रूप धर्म महाभारत से सीखो। विधि निषेध मैं कलिमर हरनी, डूज एंड डोंट्स। जो डूज है वो करना पुण्य है, डोंट्स करना पाप है। जिसका निषेध किया गया है वो कर्म करना पाप है, और जो करने के लिए बोला गया है वो श्रद्धा पूर्वक करना पुण्य है। पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है,
स्वर्ग सुख नरक दुख। तो शास्त्र विधि, लेकिन आदमी मनमानी करेगा या देखा देखी। तो इसने भी गुरुजी को कहा कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, महात्मा सीधे साधे दीक्षा दे दिया। बोले महाराज हमारे घर पधारो, पधरावनी, और आपको दो तीन दिन रुकना है। तो महाराज जी के पास समय था, बोले ठीक है ऐसा करेंगे बेटा। अब इसने बड़ा समारोह आयोजित किया, पड़ोसी ने 250 को बुलाया था, अपने 1000 इकट्ठे करने हैं और दिखानी है गुरु भक्ति। गुरु महाराज पधारे, पड़ोसी को तो विशेष रूप से इनवाइट किया क्योंकि जलन उसी से हुई थी। क्या स्वागत किया, अद्भुत। और गुरु जी जो पधारे, वो समय था पोष महीने का, एकदम ठंडा जल तैयार रखा। पड़ोसी ने सीधा साधा ठंडा जल, इसने बर्फ डाल करके और ठंडा बनाकर तैयार रखा और गुरु जी के चरण धोए। गुरु जी पहले तो जैसे ही पांव पड़, बेटा गुरु जी रिलैक्स रिलैक्स एंजॉय। ठंडे जल से गुरुजी को नहलाया जनवरी के महीने में, क्योंकि पड़ोसी ने ठंडे जल से नहलाया। तो गुरुजी उसके घर 2 दिन रहे तो बीमार हो गए, सर्दी जुकाम सब लग। अपने सुख के लिए कि दिखाना है दुनिया को, ये देखा देखी या तो मनमानी, धर्म के क्षेत्र में ये दो बातें बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। या देखा देखी, बिना सोचे समझे देखा देखी, देखा देखी गुरु मत बनाना, देखा देखी दीक्षा मत लेना। ये स्पर्धा का क्षेत्र नहीं है, ये श्रद्धा का क्षेत्र। श्रद्धा हो तो ही करना। इसलिए धर्म क्षेत्र में जब आते हो तो आदव श्रद्धा, सबसे पहले जिस वस्तु की आवश्यकता है वो है श्रद्धा। तो देखा देखी भी नहीं, और दूसरी बात मनमानी भी नहीं। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र विधि के अनुसार। तो फिर से गीता में भगवान के वचनों को याद करो, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न तो वो इस लोक में सुखी होगा न परलोक में उसका कल्याण होगा जो मनमानी करता है, शास्त्र विधि को छोड़ करके करता। तो पूजा की एक पद्धति होती है अर्चा, और श्रीमद् भागवत ये चर्चा। तत्श्रृणवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्चिन्नरः। श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का गायन, श्रीमद् भागवत का चिंतन भक्ति पूर्वक, इसके चलते मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वहां दर्शन करते हो तो भगवान तुम्हारे नेत्र द्वार से तुम्हारे भीतर पधारते हैं, कहते हैं मुझे ले चलो साथ, I want to be with you every moment। और जब यहां आते हो कथा सुनते हो तो भागवत भगवान तुम्हारे कान के द्वारा तुम्हारे अंदर पधारते हैं और कहते हैं मुझे ले चलो साथ में।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। नेत्र और श्रोत्र, श्रोत्र कान, ये दो द्वार है जहां से पाप और परमात्मा दोनों प्रवेश करते हैं। यदि इन दोनों का संयम नहीं किया तो इन्हीं दोनों द्वार से पाप भी भीतर प्रवेश करता है, बुरा देखने और बुरा सुनने से मन बिगड़ता है। इसलिए भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिः, भद्रं पश्येम अक्षभिः, हम अपनी आंखों के द्वारा भद्र देखें, हम अपने कान के द्वारा भद्र सुने। परमात्मा के प्रवेश के भी यही दो द्वार है, नेत्र और श्रोत्र। हम यहां बैठे हैं तो नेत्र श्रोत्र भगवान में लगाकर बैठे। आओ, श्रोत्र के द्वारा भगवान तुम्हारे भीतर आना चाहते हैं, स्वागत करो। श्रीमद् भागवत का गायन, द्वादश स्कंद है भागवत के, 12 कैंटोज, और हर स्कंद में अध्याय है अलग अलग संख्या में। शास्त्रों का कथन है, द्वादशांगो वही पुरुषः, भगवान के 12 अंग है। जब भगवान की बात करेंगे तो अंग की बात आएगी, 12 अंग वाले हैं भगवान। श्रीमद् भागवत भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है, इसलिए 12 स्कंद है, ये एक एक अंग है। दर्शन करो, श्रीनाथ जी बाबा खड़े हैं, चित्र जी है। प्रथम स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का दाहिना चरण है, ये गिरिराजधारी प्रभु है गोवर्धनधर। प्रथम स्कंद दाहिना चरण, दूसरा स्कंद श्रीनाथ जी का बायां चरण, तीसरा स्कंद दाहिनी भुजा, चौथा स्कंद बाईं भुजा, पांचवा स्कंद दाहिना उरु, उरु थाइस को कहते हैं, छठवा स्कंद वाम, लेफ्ट, ये वाला उरु। 6 स्कंद हो गए, अब सातवा स्कंद दक्षिण पाणितलम, पाणितलम ये पंजाब, ये सातवा स्कंद। श्रीनाथ जी का ये जो दक्षिण पाणितलम है, ये वाला दाहिना पंजा, इसमें मुट्ठी बंद है और कमर पर यूं है हाथ, देखिए ठाकुर जी का हाथ, दाहिना हाथ कमर पर, वो पीछे बत्ती के अंदर छुप गया है तो आप देख नहीं पा रहे हो। बत्ती यानी ये जो लंबी मालाएं हैं मोतियन की, उसको बत्ती कहते हैं, तो उसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन ये मुट्ठी बंद है, यहां कमर पर है। ये सातवां स्कंद। आठवां स्कंद श्रीनाथ जी का दक्षिण वक्षस्थल, नौवां स्कंद श्रीनाथ जी का वाम वक्षस्थल, दशम स्कंद प्रभु का हृदय, एकादश स्कंद ललाट मस्तक, और 12 स्कंद ये जो बच गया ना वाम पाणी तलम, तो ये जो हाथ है श्रीनाथ जी का वाम पाणी तलम, ऐसे क्यों है बोले गोवर्धन को धारण किया। ये 12 स्कंद। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, सभी स्कंद को नाम दिया गया है, जैसे भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को नाम दिया गया है, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग इत्यादि, इसी तरह प्रथम स्कंद अधिकार लीला। अधिकार से मतलब है योग्यता, पात्रता, फल
फर्स्ट यू डिजर्व एंड देन डिजायर, अधिकार लीला। द्वितीय स्कंद साधन लीला, तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चौथा स्कंद विसर्ग लीला, पांचवा स्कंद स्थान लीला, छठा स्कंद पोषण लीला, सातवा स्कंद उति लीला, अष्टम स्कंद मनवंतर लीला, नवम स्कंद ईशानुकथा, दशम स्कंद निरोध लीला, एकादश स्कंद मुक्ति और बारहवा स्कंद आश्रय। ये श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप है। तो एक अर्थ में ये हाथ इसलिए कि भगवान ने बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, और दूसरा भाव यह है कि अब भगवान हाथ उठाकर बुला रहे हैं। क्यों? बारहवा स्कंद आश्रय, आश्रय लीला, अब आ जा मेरे पास। तो भगवत गीता में अंत में बुला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब कुछ छोड़कर बस तू आ जा मेरी शरण में, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न कर, चिंता न कर। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। अच्छा है, हमारी लाली वेदिका ने अपने लाला का फर्स्ट बर्थडे गिरिराज जी की सन्निधि में मनाया। ये अच्छा भाव है कि अब इतने छोटे बच्चे की पार्टी इतनी जोरदार करे तो उसको तो थोड़ी नहीं याद है, बच्चा थोड़ी ना समझने वाला है कितनी बड़ी वो मॉम थैंक यू, डैडी दादा थैंक यू, इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, मेरी फर्स्ट बर्थडे पार्टी, उसको कहाँ पता है। वो थोड़ा समझदार हो जाए बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो श्रीनाथ जी की शरण में जाएंगे, वहां मनाएंगे। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, निर्मल गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण, तू एक बार ना जा गिरिराज की शरण, एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, एक बार।
शरण में बारहवा स्कंद आश्रय लीला। ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल, मानो प्रभु बुला रहे हैं, मेरी शरण में आ। इट्स अ कॉलिंग, और फिर हम रिस्पॉन्ड न करें उसको तो हमारे जैसा दुर्भागी कौन। और इसमें कितना बड़ा आश्वासन है, जैसे वेदों का सार वेदों के अंत में है, वेदांत उपनिषदों में, वेदांत का उपनिषदों का सार भगवत गीता में है, भगवत गीता का सार भगवत गीता के अंत में है, जहां भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। न शोक कर, न चिंता कर, न कोई भयक, आ जा मेरी शरण में सब कुछ छोड़कर। तो ऐसा द्वादशांग प्रभु का वांग्मय स्वरूप, तेनेयम् वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे, व्यास भगवान कहते हैं। इसलिए श्री हरि की ये साक्षात वांग्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। हम भागवती यात्रा करते हुए आइए, जो पहला श्लोक है, दृष्टि करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो भारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नास्वेन सदा निरा कुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वेदों का सार है गायत्री मंत्र। वेदत्रयी में, सभी वेद में ये मंत्र है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवत। वेदों का सार गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का विस्तार श्रीमद् भागवत। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है, कितने अक्षर है गायत्री मंत्र में? 24 अक्षर। 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। चौबीस अक्षर, इसलिए भागवत में 24 अवतारों की कथा, प्रकृति के 24 तत्वों की चर्चा,
और दत्त भगवान के 24 गुरुओं की भी कहानी है। गायत्री गायन्तम त्रायते, गाने वाले की रक्षा करती है इसलिए गायत्री कहलाती है। मंत्र है श्रीमद् भागवत भी स्तोत्र मंत्र है। अतः श्रीमद् भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति ही शक्ति ही ज्ञान वैराग्य कीलकम। प्रत्येक मंत्र के ऋषि होते हैं, प्रत्येक मंत्र का देव होता है, प्रत्येक मंत्र का छंद होता है, प्रत्येक मंत्र की शक्ति मंत्र विज्ञान। मंत्र का विज्ञान समझो, मननात्रायते, मनन करने से जो तुम्हारी रक्षा करे, रटने से तुम्हारी रक्षा होए, मंत्र। हमारा मन पानी जैसा है, पानी नीचे गिर जाता है और नीचे की ओर बहता है सहज ही, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ाना हो मेहनत करना पड़ता है। या बाल्टी भर करके ऊपर चढ़ाओ या तो यंत्र लगा दो, मोटर कि पंप चालू करो, पानी खाली हो गया, टंकी खाली हो गई। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है। मन भी पानी की तरह है, बुराइयों की ओर सहज चला जाता है, उसको ऊपर उठाना हो तो मंत्र की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से यंत्र चलता है, पंप चलता है, उसी तरह मंत्र चलता रहना चाहिए। मंत्र रिसाइटल, रेसिटेशन, वही 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 मंत्र। पंप का आरपीएम कितना है तो इसी तरह यहां चलता रहेगा कि इस स्पीड से इस मंत्र की एक माला जपने में कितना समय लगेगा। अनुष्ठान में जब बैठते हो तो ये सब हिसाब लगाना पड़ता है, क्योंकि अनुष्ठानिक कार्य है तो विधि के अनुसार चलना चाहिए, एक नियम के अनुसार बढ़ना चाहिए। यथा संभव रोज के मंत्रों की संख्या सेम हो यह सुनिश्चित करना चाहिए। अनुष्ठान है तो जैसे नवरात्रि में लोग गायत्री का अनुष्ठान करते हैं तो रोज 3000 जप 8 दिन 24000 हो गई गायत्री, और 9वें दिन दशांश होम तद्दशांश तर्पण तद्दशांश मार्जन तद्दशांश ब्रह्म भोजन हो गया। पंच अंग होते हैं वो पूरे हुए। साहब विधि, अरे तुम दाल बनाती हो तो विधि पूर्वक बनाती हो तब दाल ठीक बनती है। आलू बड़ा बनाना है तो उसकी एक विधि है। वो विधि पूर्वक बनाओ तो आलू बड़ा बढ़िया बनेगा, ये सिद्धि है कि सब लोग खा करके वाह क्या आलू बड़े बने। कि इसमें इतना नमक पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, इतना ये पड़ेगा, इस तरह से बनाया जाता है, रेसिपी है ना। और फिर बनाते 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 सीखते 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 मास्टरी आ जाती है। उसी तरह यहां पर भी ये जपते 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 अनुष्ठान करते 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 साधन करते 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 धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रेसिपी के अनुसार, उसी तरह शास्त्र की विधि के अनुसार तो सिद्धि मिलेगी, अदरवाइज न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता के अनुसार
तब सिद्धि सफलता नहीं मिलेगी, न सुख मिलेगा, न उसका परलोक सुधरेगा। शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठान, मनमाने ढंग से नहीं। अभी एक कोई आए हमारे पास, भगवान ऐसे ऐसे ऐसे, प्रभु की रचना भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत रचना। मेरे पास आए, मुझे कहते हैं मेरे में मंत्र अवतरित होते हैं, पता है भाई श्री, जैसे ऋषियों के ऊपर अवतरित होते थे मेरे ऊपर मंत्र अवतरित। प्रणाम। बोले सुनाओ। तो पाठ करते करते कुछ संस्कृत के शब्द तो लिख के आया था। बोले देखिए ऐसे 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 मंत्र अवतरित हुए हैं, संस्कृत के शब्दों की थोड़ी थोड़ी झलक पाठ करते करते दिमाग में तो ही जाता। इसका क्या अर्थ है बेटा? बोले वो पता नहीं, इसलिए तो आपके पास आया हूं कि आप इसका अर्थ लगाओ, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आप ही को कह रहा हूं। ये अवतरित हुए मुझ में और ये रहस्य से भरे हुए हैं, आप इसके रहस्य का पता लगाओ। बोलो मुझे अनुष्ठान में उसने लगाना चाहता। बोले आप इसके रहस्य का पता लगाओ। मैंने कहा ये सब छोड़, राम 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 रट, सीधा साधा सरल नाम, इसमें खो जाएगा तू। इसको गुप्त ही रहने दे जैसा तू कहता है, इसको बहुत ज्यादा डिक्लेयर मत करना, मेरे पास आया उतना काफी है। रख दे ये नोटबुक यहां भगवान के शरण में और भगवान से प्रार्थना कर कि प्रभु इन मंत्रों का रहस्य मुझे सरल शब्दों में समझाओ, तो भगवान तुझे समझाएंगे। बेटा इसका रहस्य केवल इतना है, राम, केवल दो ही अक्षर का नाम, इसलिए सीधा साधा नाम रट ले बेटा, राम 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 कर, हरे कृष्ण कृष्ण ये कर। सकल शास्त्रों का सार यही है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम हरिनामैव केवलम। सारे शास्त्रों का मंथन करके सार रूप जो निकला वो क्या? हरिनाम। सीधा साधा नाम जप, जप ले हरि का नाम ए मनवा, तू जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाए तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले जप ले जप ले जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। धन को धनवान बना दे, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे, सही पहचान करा दे।
मतलब एक है, राम कहे तू या कहले घनश्याम, तो नाम जप करो, मंत्र जाप करो, नाम संकीर्तन करो तो मन पानी की तरह है वो ऊपर उठेगा, कली के मल को धोकर। श्रीमद् भागवत भी स्तोत्र मंत्र है। गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द आता है, भर्गो देवस्य धीमहि। और यहां भागवत के इस प्रथम श्लोक में भी धीमहि शब्द आता है, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत भगवान वेद व्यास जी का ध्यान है, समाधि का प्रसाद है, अनुभूति की वाणी है। जैसे महादेव कहते हैं पार्वती को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। व्यास भगवान की अनुभूति का ये प्रसाद श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसा टाइटल है इस ग्रंथ का। इसका अर्थ समझे, श्रीमद् पहला शब्द, श्रीमद् श्रियायुतम, श्रीमद् जो श्री से युक्त है उसको कहते हैं श्रीमद्। जिसमें श्री है, कौन कहता है भागवत में राधा नहीं है, श्री जी है ही है, श्रीमत है ये भागवत, राधा से ही युक्त ही है। राधा भक्तिर हरि हरि ज्ञानम, ताभ्याम याच समन्विता, उन दोनों से जो समन्वित है, राधा भक्ति हरि ही ज्ञानम, ऐसी है ये भागवती कथा। कौन कहता है इसमें राधा नहीं है? भैया भागवत में जो भीगापन है ना, भीगापन यही राधा है। ये भीगापन है भक्ति का, भाव का। जैसे आटा लेकर के आप रोटी बनाने बैठती हो तो आटा में, आटे से ही रोटी बनती है। लो आटा सीधा तवा पर रख दो रोटी बनाने के लिए, रोटी को सेकना होता है तवे पर, आटा सीधा ही रख दिया तवे पर जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? बोले आटा गूंथना पड़ेगा। वो गूंथने के लिए बोले आटा में पानी मिलाना पड़ेगा, तभी आटा का जो कण कण है उसको ये पानी जोड़ेगा परस्पर, और गूंथ 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 करके उसको नरम बना करके, और तब फिर आकार रोटी बेली जाती है, फिर तवा पर सेका जाता है। उसी प्रकार भागवत का प्रत्येक शब्द जैसे आटा का कण कण
लेकिन उसको बांधने वाला जो तत्व है वो श्री राधा है, भक्ति। तब जाकर के उन सभी अक्षरों ने मिलकर के शब्द बनाए, शब्दों ने मिलकर वाक्य बनाए, वाक्यों ने श्लोक बनाए, श्लोकों ने अध्याय बनाए, अध्याय ने कैंटोज स्कंद बनाए, और 12 स्कंदों ने प्रभु का ये वांग्मय श्री विग्रह तैयार किया। राधा न होती तो ये होता ही नहीं। लिखा ही है भागवत में, ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीशण्डमण्डिते। देवर्षि नारद ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया व्यास जी को और आज्ञा दिया, अनुरोध किया इन 4 श्लोकों का आप विस्तार करो, भागवत की रचना करो। तो ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर स्थित अपने शम्याप्रास नाम के आश्रम में व्यास जी आसन लगाए, आचमन प्राणायाम किए, ध्यान लगाए, और लिखा है भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषम पूर्वम। भक्ति योगेन मनसी, आटा गूंथना है, पानी चाहिए, और फिर तपस्या की आंच पर रोटी सेको। तपस्या ताप बद्रिकाश्रम में बैर खा खा कर तपस्या किया है, इसलिए बादरायण नाम हो गया इनका। बिना तप के कुछ भी नहीं होता, तप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के ही बल से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप के ही बल से विष्णु पालन करते हैं, तप के बल से ही तप बल शिव करई संघारा, शिव संघार करते हैं, तप आधार सब सृष्टि भवा। तपो में हृदयम ब्रह्मन्, इसलिए भगवान कहते हैं तप मेरा हृदय है। तप ब्रह्मा जी जब विष्णु नाभि कमलोद्भूत हुए, भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कमल में हूं, लेकिन कमल किसके आधार पर है। चारों तरफ देखा, 4 मुंह ब्रह्मा के, याद रहे इन चारों मुख में 4 वेद है। पूर्व के मुख में ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख में यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख में सामवेद, उत्तर वाले मुख में अथर्ववेद। चारों दिशा में देखा ब्रह्मा ने, यानी चारों वेदों से चिंतन किया, उस तत्व को देखने की कोशिश की, समझ में नहीं आया। चारों तरफ जल ही जल दिखा, मैं इस कमल में हूं, कमल जल में है, लेकिन कमल का आधार क्या है, इसका मूल कहां है, क्योंकि बिना मूल के फूल नहीं होता। ये फूल है तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं मूल है,
वो मूल कौन है? वही मूल परमात्मा है। गीता का 15वां अध्याय, ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो उस अश्वत्थ को, उसके स्वरूप को जानता है, वही वेदवित्, वही वेद को जानता है, वही वेदज्ञ है। कैसा है यह अश्वत्थ? अश्वत्थ पीपल को कहते हैं और पीपल को हम विष्णु रूप मानते हैं, क्योंकि भगवद गीता में विभूति योग में भगवान ने अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम कह करके अश्वत्थ को अपनी विभूति बताया कि वृक्षों में अश्वत्थ मेरा स्वरूप है। अश्वत्थ पिपल, उसके साथ यदि नीम का पेड़ अपने आप निकले वो तो अत्यंत शुभ माना गया, क्योंकि नीम लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूप। तो नीम युक्त अश्वत्थ मतलब लक्ष्मी नारायण का रूप है। अपने यहां सांदीपनी में नीम युक्त अश्वत्थ है, श्री सौम्य भैरव महाराज की सन्निधि में, और इस तरह से श्री हरि अश्वत्थ के रूप में विराजते हैं भैरव जी के संग में, और नीम अपने आप निकला है अश्वत्थ के ही मूल से, जैसे गोदी में लिए हुए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, पीपल को रोज स्पर्श नहीं करना चाहिए, प्रणाम करो, स्पर्श नहीं, स्पर्श केवल शनिवार के दिन, शनिवार के दिन स्पर्श करके प्रणाम कर सकते हो। ये सब शास्त्रों के नियम है साहब, विधि निषेध। तो नीम युक्त अश्वत्थ बहुत शुभ माना गया है, वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। विष्णु का लिटरल मीनिंग होता है ये जो व्यापक है वो। व्यापक का क्या मतलब होता है? जिसका कहीं भी कभी भी अभाव न हो, जो सर्वत्र और सर्वदा हो। इसलिए चतुश्लोकी भागवत में हम पढ़ेंगे यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वेवेष्टि विश्वम इति विष्णुः, इसलिए जले विष्णु स्थले विष्णु। विष्णु पर पूछा जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, कहां है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद का जवाब था, कहां नहीं है। आप पूछ रहे हो कहां है, मैं कहता हूं कहां नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब गाइए, सब गाइए, आनंद आएगा। गाने की बात आती है तब गाओ सब मिल करके, तो अच्छा लगेगा। अब फिर मैं जब सुनाऊं कथा उस वक्त आपका मन हो जाए और मन माने ढंग से तब गाने लग जाओ, तो सब लोग यूं देखो, अब कौन निकला ये? सबके साथ हरि व्या सर्वत्र समाना,
पूरा पंडाल गूंजे। दिसी बिदिसिहु माही कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान कहां है ये प्रश्न नहीं है, भगवान कहां नहीं है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, और कोई क्षण ऐसा नहीं जब भगवान न हो। हर कण में और हर क्षण में है, ओमनिप्रेजेंट, ओमनिपोटेंट, ओमनिसियंट, ऐसा तत्व। ये उसी का सब विलास है, ये सब उसी परमात्मा की लीला है। मटका मिट्टी को ढूंढे वो वाली बात है, मिट्टी से ही बना हुआ है मटका, मिट्टी रूप ही है। नेकलेस स्वर्ण को ढूंढे, स्वर्णमय है, स्वर्ण के ही आकाश विशेष आकार विशेष को नेकलेस नाम दिया गया। नमक की गुड़िया के अंग अंग में, कण कण में नमक है, लेकिन वो नमक की गुड़िया समंदर का थाह लेने गई कि कितनी गहराई है देखें। कूदी अंदर कि समंदर की थाह लेकर के आती हूं, गई। क्या हुआ? बोले समंदर रूप हो गई, उसी में घुल मिल गई। बस उसी तरह साधक फिर ब्रह्मैवाहम् सोहम् शिवोहम्। गोपियां कहती हैं कृष्णोहम् पश्यत गतिम् ललितामिति तन्मनाः, दशमस्कंद रास लीला। तो जिस तरह से आटे के कण कण को बांधने के लिए जल की आवश्यकता होती है, देखा जाए तो सारे परमाणु एटम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, राइट? और एटम है एनर्जी,
उस एक एटम के न्यूक्लियस पावर जो होता है तो उसमें उसको भेदने के लिए सफल हो गए तो फिर जो पावर जनरेट होती है गजब, उसमें भी क्या है, बोले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, राइट? प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो उसका जो केंद्र है उसमें प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन वो साथ है और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसलिए विष्णु न्यूट्रॉन न्यूट्रल सत्वगुण विष्णु, प्रोटॉन पॉजिटिव, रजोगुण ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से निकले हुए ब्रह्मा ये मध्य में, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तमोगुण महादेव, ये महादेव की रासलीला है। महादेव गोपी बनकर के गए थे रासलीला पार्वती के साथ, ठीक है ना? एक दिन वो भोला भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर महादेव गोपी बन करके रासलीला में घूम रहे, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ। साइंसी है साहब, विज्ञानी है ये। और यदि उस एटम को एक केवल थोड़ा समझना हो तो जो महादेव घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, वो एक पूरा फुटबॉल का मैदान वो वाली एरिया, वो शक्ति है, वो एनर्जी है। ये सारा खेल भगवान की लीला है, लेकिन इन सभी अणुओं को परमाणुओं को जोड़ने वाली कोई ताकत है और अलग 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 ढंग से जोड़ा गया। हाइड्रोजन का अमुक बंधारण, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन का अमुक, और फिर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल गए कि हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के बन गया पानी।
H2O. तो पानी हो, चाहे ये चौकी हो, चाहे ये माइक हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे ये चश्मा हो, सब परमाणु का ही खेल है. उसी के अलग अलग ढंग से लीला करने से अलग अलग रचना हुई. कोई धातु, कोई मिट्टी, कोई पानी, कोई वायु, लेकिन है तो सब उसी का खेल. तो भाई ये जोड़ने वाला जो तत्व है वो राधा है, वो हमारी राधा रानी. बिना उसके लीला नहीं होती. आटा सीधा तवे पर रखोगे जल जाएगा, पहले आटा गूंथना जरूरी है. गूंथने के बाद फिर रोटी बेलो, फिर तवे पे रखो. इसलिए हमारे ठाकुर ने रासलीला भी रचानी होती है. और ये रासलीला अमुक समय में ही वृंदावन में हुई ऐसा नहीं, ये तो हुई ही हुई, लेकिन ये निरंतर चल रही है रास. इट्स अ कॉस्मिक डांस, एवरी मोमेंट रासलीला हो रही है. इसमें जो जो गतिशील है वो गोपी है, और जिसके आसपास ये गति हो रही है और जिसके कारण ये गति संभव हो पा रही है वो है कृष्ण. उस केंद्र का नाम है कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण. ये सृष्टि परमात्मा का रास ही है. हमारे अंदर की गोपी सोई हुई है, इसलिए हमें रास का अनुभव नहीं हो रहा है, हमें 84 का चक्कर मालूम पड़ता है. वही रासलीला हमारे लिए 84 लाख योनि का चक्कर बन जाता है, पर नहीं तो एक एक चक्कर एक एक परिक्रमा. रासलीला हमारे अंदर की सोई हुई गोपी को जगाने के लिए ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं. निशम्य गीतम तदनंग वरधनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आ जगमुरन्योन्यम लक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला. वो नाद भी निरंतर चल रहा है, लेकिन सुनाई पड़े जिसको वो जाग गई गोपी. आदि नाद है ओमकार, और ये ओमकार उस परमात्मा का वाचक है. दैट डिवाइन, दैट सुप्रीम रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन साउंड इज ओमकार. वो आदि नाद है. तस्य वाचक प्रणव, हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रणव उस परब्रह्म का वाचक है. इसी नाद पर पूरा ब्रह्मांड है. अरे मेरे प्यारे, तुम्हारा शरीर भी उसी नाद पर टिका हुआ है. ओ ओम
नित्यं मोक्षदं Oh.
महादेव महादेव शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्ट वपुरधराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पहले जो स्वर आया वही श्री कृष्ण और फिर जो रिधम जुड़ी साथ में लय वो राधा हुआ रास यही है इस संगीत। यह संपूर्ण सृष्टि एक नाद पर टिकी हुई है और एक लय में चल रही है। सूरज की एक लय है, चंद्र की एक लय है, पृथ्वी की अपनी एक लय है रिदम, और तुम्हारे शरीर की एक लय है। इसलिए इतने समय हुआ आंख खुल जाएगी, ये समय हुआ नींद आने लगी, उबासियां आने लगेंगी, ये समय हुआ भूख लगेगी। शरीर संदेश देगा, भूख लग रही है अब खाना खिलाओ। शरीर संदेश देगा, नींद आ रही है अब सोना, क्योंकि शरीर की एक लय है, एक रिदम है, उस रिदम का नाम है राधा। स्वर और लय, तुम्हारे भीतर एक नाद चल रहा है। शिव पुराण में तो प्रयोग है, तुम अपने कान से दोनों कान के छिद्रों को बंद करके और रात्रि के एकांत में, क्योंकि तब ज्यादा करके एकदम शांति होती है,
और भीतर से उठने वाले नाद को सुनो। ध्यान लगता है जैसे जनरेटर चल रहा हो, चल रहा है शरीर में नाद, और शास्त्र कहते हैं कि वो नाद न सुनाई दे तो समझना 6 दिन के मेहमान। इसलिए रात में सोने से पहले रोज चेक करके सोना ताकि पता चले कितने दिन हैं अभी हम। नहीं, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, सावधान रहने के लिए। और नाद जरा ठीक से सुनाई दे तो समझना अभी तो अपने है। नाद पर टिकी हुई है सृष्टि, नाद पर टिका हुआ है तुम्हारा शरीर। वो सुर बेसुरा ना हो जाए और वो लय टूटे नहीं तो तुम योगी हो। भोग क्या करता है, उस सुर को बेसुरा कर देगा, और भोग तुम्हारे शरीर के लय को, जिंदगी के लय को तोड़ेगा। बीमारी क्या है, उस लय का टूटना, यही बीमारी है। मनुजता को खोकर आसुरी वृत्ति, उच्छृंखल जीवन, ये बेसुरा जीवन है। रोग तभी होता है जब कहीं न कहीं लय टूटा हो। वरना योग तो दुख का हरण करने वाला है। कौन सा योग, बोले युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। दुख का हरण करने वाला दुःखहा, वो योग दुख का हरण करने वाला होता है। तो योग का अर्थ केवल नाक पकड़ करके बैठे रहना नहीं है। योग एक जीवन शैली है, इट्स अ लाइफस्टाइल। देयर आर सो मेनी डिजीज जो लाइफस्टाइल के चलते आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज है, 15-15 हजार रुपये की महीने की दवा खाते हैं लोग, तो पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है। और इतना ज्यादा ये बढ़ रहा है हिंदुस्तान में भी, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज इत्यादि। फिर डॉक्टर कहते हैं समय से खाना खाओ, समय से सो जाओ। सी मतलब रिदम मेंटेन करो। ये इतना अच्छा क्यों लगा, क्योंकि सुर में और लय में चल रहा था तो संगीत है, वरना शोर। संगीत में तो शांति और ध्यान भी लग सकता है संगीत के माध्यम से, और शोर थका देता है। भाई कौन शोरगुल कर रहा है, ये बंद करो ये। तो युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार युक्त हो। तुम्हारे कर्म युक्त हो, तुम्हारा काम करना और तुम्हारा आराम करना युक्त स्वप्नावबोधस्य, तुम्हारा जागना और तुम्हारा सोना ये भी युक्त, एक संतुलन हो। अति जागना ये भी रोगी बनाएगा, अति सोना फिर से रोगग्रस्त हो जाओ। एक संतुलन कायम करो। योगी इज अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। योग एक जीवन शैली है, एक स्वस्थ जीवन शैली।
भगवान कृष्ण योगेश्वर है और भगवान शिव योगीश्वर है। इसलिए भगवान भी शांताकारं भुजगशयनम्। योगी के जीवन में शांति है, संतुलित जीवन। शास्त्रों की कथाएं, शास्त्रों की बातें इतनी इतनी अद्भुत है कि उसमें चले जाते हैं तो कहां 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 निकल जाते हैं, फिर से सम पे आना पड़ता। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, भागवत में 24 अवतारों की कथा। गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द, धीमहि का अर्थ है हम ध्यान करते हैं, बहुवचन है ये धीमहि, हम ध्यान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा नाम है। श्रीमद् श्रियायुतम, श्री से युक्त है वो है श्रीमद्, यहां से चर्चा चली थी तो श्री राधा उससे युक्त है। कौन कहता है इसमें राधा नहीं है? बिना राधा के रोटी कैसे बनती? हमारे यहां तो पत्नी को कहते ही हैं रोटला घड़वा वाली आ गई। किसी की पत्नी भगवान के धाम में जाए तो कहते अरे तुम्हारे तो रोटला घड़वा वाली गई, मतलब रोटी बनाने वाली गई, बड़ा दुख। तो बिना राधा रोटी कौन बेले, कौन बनाए? रोटी बने ही कैसे बिना राधा के? आटा गूंथना कि चलो पानी नहीं है कोई बात नहीं, आटा तवे पर रख दो, गरम तवे पर, जल जाएगा आटा। पुरुष भी संसार के ताप में जल जाएगा। जलना नहीं है, रोटी बनना है, शादी कर लो, राधा ले आओ, अपनी शक्ति ले आओ। या तो योगी हो, भक्ति से युक्त हो जाओ, वरना संसार का ताप जला देगा, और नहीं तो रोटी पकाएगा, परिपक्व कर देगा। तुम्हें जल नहीं जाना है, तुम्हें पकना है, परिपक्व होना। इसलिए राधा हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। अभी एक एक पद एक महापुरुष का ही लिखा हुआ आया है राधा के प्रागट्य का। आओ थोड़ा राधा रानी को याद करें। प्रगट भैराधिका, प्रगट भैराधिका, प्रगट भैराधिका, प्रगट भैराधिका, उदित भैराधिका।
प्रगट भईरा श्रीयायुतम। श्री से युक्त है इसलिए श्रीमद् भागवत। तो इसमें राधा जी तो है ही है, श्री सौंदर्य, श्री भक्ति, श्री संपत्ति, सबसे युक्त है श्रीमद् भागवत। भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो अपने श्रीमुख से कहा है वो है भागवत। भगवान ने अपने श्रीमुख से गाया वो है भगवत गीता, भगवता गीता, भगवत गीता, और भगवता उदितम भागवतम। भगवान ने अपने श्रीमुख से जो कहा वो भागवत है, गाया सो गीता। भगवता नारायणेन स्वयं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। पार्थाय, अर्जुन को उपदेश करने के लिए स्वयं भगवान ने जिसका गायन किया कुरुक्षेत्र के रणांगण में, अतः भगवद्गीता। और भगवद्गीता की ही बातों को, सूत्रों को समझना है तो भागवत सुनो, नहीं तो गीता के सूत्र समझ में नहीं आएंगे। इसलिए भगवत गीता पर सबसे बढ़िया वाली कोई कमेंट्री है, भाष्य है तो भागवत है। तो भागवत से गीता ही समझ में आएगी। भागवत और रामायण दो सुंदर भाष्य है भगवत गीता पर, जिससे गीता को ही समझने में सरलता रहती। श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण के पांच लक्षण हैं। पुराण कहते हैं पुरा अपि नवम, पुरातन होते हुए भी जो नित्य नूतन है उसको पुराण कहते हैं। कथा तो हजारों वर्षों से चली आ रही है रामायण की, भागवत की, न कहने वाले थके न सुनने वाले थके, सुनने वाले अघाए नहीं। क्यों, ऐसा क्या है इन कथाओं में, भागवत में, रामायण में? जब तक प्यास है गंगा जी प्रस्तुत रहेगी, पानी प्रस्तुत रहेगा, पानी कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता, जीवन देता है, जल ही जीवन है, तो कथा भी गंगा है। एक अर्थ में गंगा हजारों वर्ष से बह रही है इसलिए बड़ी पुरानी है, लेकिन दूसरे अर्थ से गंगा हर क्षण नई है, क्योंकि बह रही है ना, पानी बदल रहा है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी नदी में आप दो बार नहीं नहा सकते, उसी घाट पर चाहे रोज नहाओ लेकिन उसी नदी में केवल एक ही बार उतर, क्योंकि दूसरे दिन जब गए नहाने घाट वही है लेकिन गंगा वही नहीं है जो कल थी, पानी बह गया बहुत। तो वैसे गंगा पुरातन भी है और वैसे देखा जाए तो गंगा हर क्षण नूतन है। उस तरह से ये कथा गंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वैसे तो भागवत रामायण बहुत पुरातन है लेकिन देश काल के संदर्भ में इसका अर्थ घटन बदलता रहता है, नित्य नूतन है ये कथा। पुराण के पांच लक्षण है लेकिन भागवत के दस लक्षण है, ये महापुराण। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः
मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दस लक्षण है भागवत के, अतः महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। जन्माद्यस्य यतः, बादरायण के सूत्र से भागवत का प्रारंभ हुआ है, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र जिससे भागवत का भी प्रारंभ हुआ। जन्माद्यस्य यतः, तीसरा शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। पांच सौ पचपन सूत्र है, बड़े अद्भुत। वेदांत समझना है तो इन सूत्रों को जो समझाया है आचार्यों ने, तो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से भागवत का प्रारंभ। जन्माद्यस्य यतः, इसमें चार शब्द है, जन्म, आदि, अस्य, यतः। अस्य जगतः, ये जो तुम्हारी आंखों के सामने है, मन बुद्धि इंद्रियों से जो अनुभव में आने वाला है ये जगत, इसका जन्मादि यानी उत्पत्ति स्थिति लय, यतः जिनसे होता। उपनिषदों में मंत्र है, यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रेत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। जिनसे यह अनंतानंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जो इन अनंतानंत ब्रह्मांड को धारण करता है, इसका पालन करता है, और एक समय के बाद ये सब जिसमें लय को प्राप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तुम उसको जानने की इच्छा करो, तद् ब्रह्मेति, वह ब्रह्म है। ब्रह्म तीन शब्द है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। अनिल भैया घर में है तो अर्चना के पति है, ऑफिस में गए तो वही बॉस है, गुरु के पास बैठे तो वही शिष्य है, आदमी एक ही है। तो उसी तरह ये इन डिसेंडिंग ऑर्डर तीन शब्द है, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। ब्रह्म दैट सुप्रीम रियलिटी, निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, फॉर्मलेस एंड नेमलेस। लेकिन नेमलेस है उसको भी कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्म। तुम्हारा नाम क्या है? बोले अनाम। अच्छा, तुम्हारा नाम अनाम है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा। तो ब्रह्म निर्गुण निराकार, ये ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। निर्गुण निराकार, ध्यान से सुनना ये बातें, महत्वपूर्ण बातें। ये सनातन धर्म संस्कृति, वैदिक संस्कृति क्या है उसकी फिलॉसफी है, इसलिए प्रत्येक सनातनी हिंदू को यह समझना चाहिए। ब्रह्म, कोई लोग हमको यह कहे कि आप लोग तो अनेक देवताओं को भजने वाले हो, हम लोग तो एकेश्वरवादी है,
नो, हम लोग भी है। वही एक अनंत रूपों में प्रकट हुआ है, दैट इज व्हाट वी बिलीव। और वो एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एकम एव अद्वितीयम। वो निर्गुण है, निराकार है, इसलिए न वो स्त्री है न वो पुरुष है। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से भी ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग शब्द है, न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग। देखो व्याकरण आचार्यों ने भी इस शब्द को नपुंसकलिंग माना, न वो स्त्री है न वो पुरुष, पावर इज पावर। वो जब माया के गुणों का स्वीकार करता है, अपनी ही छाया स्वरूपा माया का, माया के गुणों का स्वीकार करता है, तो उस माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। इसलिए सगुण हुआ, दैवी येषा गुणमयी, गुणमयी मम माया। भगवान की यह माया गुणमयी है, दैवी है। और गुण तीन है, माया त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मैं फिर से आपको एटम पर ले आऊंगा। एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, हमारे धर्म की दृष्टि से वो रजोगुण है। रजोगुण पॉजिटिव, ब्रह्मा उनका काम है सृजन करने का। ब्रह्मा क्रिएटर है, जनरेटर है। न्यूट्रॉन सत्वगुण, विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता। एक विष्णु देव है, और कहीं भगवान श्रीमद् भागवत में श्री हरि की बात जहां करी गई है, तो वो है वही जगत कारण। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तमोगुण, उसके अधिष्ठाता देव शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जनरेट करते हैं, विष्णु ऑपरेट करते हैं, शिव डिस्ट्रॉय करते हैं। जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जी ओ डी, गॉड। इसलिए अंग्रेजी का ये जो गॉड शब्द है वो है हमारी ईश्वर की तुलना में। ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में बैठा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शरजुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। भगवद्गीता, क्योंकि बैठा है ना इस शरीर को धारण करके, और यह शरीर प्रकृति का रूप है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सगुण। तो हमने ब्रह्मा का एक आकार बनाया, हमने विष्णु का एक आकार बनाया, हमने महेश का एक आकार बनाया, और वही ईश्वर फिर जब और अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, जैसे वायु आप देख नहीं सकते, जब पानी के रूप में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म है, पानी को देख सकते हो। वही पानी और ठंडा हो जाता है, जीरो के नीचे टेम्परेचर गया, बर्फ बन गई, और थोड़ा ठोस रूप में अपने आप को
मैनिफेस्ट किया। तत्व वही है, गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, फॉर्म चेंज हो रहे हैं, तत्व वही है। तो वही ईश्वर फिर अवतरित हुआ भगवान, तो उसको भगवान ऐसा नाम दिया, कूर्म भगवान, वरा भगवान, भगवान। धन जिसके पास है वो धनवान, विद्या जिसके पास है विद्वान, भग जिसके पास है भगवान। छह भग है, ऐश्वर्य, वीर्य, यशः, श्री, ज्ञान, वैराग्य। इन छवो भग से जो युक्त है वो है भगवान। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर देर आर थ्री वर्ड्स, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। तो भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसा भी लिखा है, और कृष्णोपनिषद में श्री कृष्ण यानी परब्रह्म ये अर्थ भी बताया है। कृषिर्भूवाचक शब्द ऋणश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्णरित्यभिधीयते। तो वही परब्रह्म विधि हरि शंभु नचा वनिहारे। तो वही ब्रह्म फिर विष्णु, उसी को कृष्ण मानते हैं हम। चतुर्भुज रूप में पहले भगवान प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव जी के समक्ष, और फिर बालक बन जाते हैं। द एनर्जी चेंजेस इज फॉर्म ओनली विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए न इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मानहारी प्रगट कृपाला। और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान भय अस भाखी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। न जन्म है न मृत्यु है। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की। यही तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया, राजा तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जिसका न जन्म है न मृत्यु है। यह चैतन्य आत्मा परमात्म स्वरूप ही है, और वो गीता के अनुसार न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, न कभी वो पैदा होती है, न कभी ये आत्मा मरती है, ये नित्य है, ये अजन्मा है, ये अमर है। तो जिनसे अनंतानंद ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिन्होंने अपने भीतर अनंतानंद ब्रह्मांडों को धारण किया है,
भगवान के अंदर ही 14 लोक है हमारे ग्रंथों के अनुसार। भागवत में भी द्वितीय स्कंद में भगवान के स्थूल ध्यान का जहां पर वर्णन करते हैं सुखदेव जी, पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। पाताल भगवान के चरण का तलवा है और वहां से ऊपर जाते 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 सत्यलोक भगवान का मस्तक है। हमारे यहां 7 स्वर्ग और 7 पाताल की कल्पना है। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्, ये 7 स्वर्ग अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, 7 पाताल। पाताल सबसे नीचे, ये भगवान नारायण के चरण का तलवा है और सत्यलोक सबसे ऊपर है, ये ठाकुर जी का मस्तक। 14 लोक भगवान में ही कल्पित है। जिस प्रकार सुवर्ण में ही नेकलेस कल्पित है, बूटी कल्पित है, कंगन कल्पित है, उसी तरह सारे लोक उस परब्रह्म परमात्मा में ही कल्पित है। वास्तव में सिवाय परब्रह्म के कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, श्रुति का महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सब श्रुति के महावाक्य। श्रुति मतलब वेद। एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। श्रुति वेद ये किसी के बनाए हुए नहीं है, जबकि स्मृति किसी न किसी के द्वारा रचित है। गीता को स्मृति कहेंगे, व्यास जी के द्वारा है भगवान की वाणी, लेकिन व्यास जी के द्वारा लिखी गई। जो रचित है वो स्मृति। तुम्हारे यहां मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पाराशर स्मृति है, स्मृति का अनेक ऋषियों ने दी, और स्मृति का एक अर्थ है श्रुति में कहे हुए सत्य को जीवन में आचरण करने की जो विधा है वो स्मृति बतलाती है। सो स्मृति इन अ वे इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। इसलिए हमारा भी जो संविधान है उसका आधार स्मृति है। जो कानून बने हैं शुरुआत में मनुस्मृति, कोई कितनी ही गालियां दे दे वो तो छोटे संकीर्ण मन वाले हैं। इसलिए मनु हमारे आदि पुरुष हैं। महाराज मनु ने कोड ऑफ कंडक्ट नक्की किया उस समय के लिए, और स्मृति में समय समय पर परिवर्तन कर सकते हो जब जरूरी है। देखो हमारे लिए संविधान सबसे बढ़कर के है, संसद सर्वोपरि है माना, और संसद कानून बनाती है, अधिकार है, लेकिन संविधान के प्रकाश में वो कानून बने ये सुनिश्चित करते हैं राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को यदि लगे कि ये पारित तो कर दिया है बिल दोनों सदनों ने, लेकिन ये संविधान के प्रकाश में ठीक नहीं है, राष्ट्रपति कैन डिनाय टू साइन इट। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं बिल को अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर से दोनों सदनों ने उस बिल को पारित कर दिया तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन इट। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट है, यदि वो देखे
कि संविधान के प्रकाश में ये कानून तदनुसार नहीं है। एक पूरी व्यवस्था हमारे यहां जिस तरह से करी गई है, तो संविधान में परिवर्तन हो सकता, यस, और वो परिवर्तन कैसे लाया जाए उसका भी एक पूरा संविधान में मार्गदर्शन है कि बदल सकते हो भाई इस प्रकार से। तो ये स्मृति है, तो एक होता है श्रुति, यू कैन नॉट चेंज इट, श्रुति ये भगवान की वाणी है, और एक होती है स्मृति, ये स्मृति नई 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 आती रहती है, इसलिए स्मृति एक नहीं है, अनेक। तो श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, आचार्यों की वंदना इस तरह से हम करते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री मध्वस्वामी मध्वाचार्य जी, सबके मत, लेकिन श्रुति के प्रकाश में, और हमारे यहां ये तीन को प्रस्थान्तरी माना है ना, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि ब्रह्म सूत्रस्तथैव च, वेद यानी उपनिषद, श्री कृष्ण वाक्यानि यानी भगवद गीता, और ब्रह्म सूत्र, ये प्रस्थान्तरी है। हिंदुओं ये सब जानो, आपको पता होना चाहिए, आपके बच्चों को पता होना चाहिए, दूसरे धर्मों के लोग अपने धर्म का ज्ञान अपने बच्चों को मिले उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, और हमको तिलक करने में भी शर्म आती है। अच्छी बात यह है कि हिंदू अब धीरे धीरे जाग रहा है, जानो ये सब, ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये सारी बातें सनातनी होने के नाते तुमको पता होना चाहिए हमारे वेदों के विषय में, हमारे उपवेदों के विषय में, उन उपवेदों में क्या है। नारायण नारायण नारायण, वास्ट महासागर है सनातन धर्म का। ये कोई एक ही किताब लेकर हम थोड़ी बैठे हैं, हमारे पास तो महासागर है। और जितना ये विशाल महासागर है उतनी ही विशाल दृष्टि हमको देता है, वो हमको कूप मंडूक नहीं बनाता, कुएं का मेढक नहीं, हमें महासागर का मत्स्य बनाने की प्रेरणा, बनने की प्रेरणा देता है। और इसलिए हमारा दर्शन उदार है, अद्भुत है ये सनातन वैदिक धर्म। तो इन्हीं प्रस्थान्तरी के द्वारा हमारे आचार्यों ने अपने अपने मत को पुष्ट किया है, और इतने सारे मार्ग, इतने सारे पंथ, इतने सारे संप्रदाय बनाए गए। संप्रदाय अच्छी बात है, आचार्यों ने बनाया हुआ पंथ है, जिस पंथ पर चलकर तुम उस तत्व की अनुभूति तक पहुंच सकते हो। इन आचार्य महापुरुषों की कृपा है। तो केवलाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदाभेद,
हमारे यहां तो कश्मीरी शैविज्म है पूरा, कश्मीर में शैविज्म का प्रभाव था। यह तो हम कायर बन गए हिंदू लोग कि इन्वेडर्स ने आकर के कब्जा कर लिया धीरे धीरे, और उस रास्ते से आकर के पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने। लेकिन बात यह है कि कुछ है तो सही कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमको कोई मिटा नहीं पाया, इस धर्म को कोई मिटा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यह सनातन है। सनातन का अर्थ ही इटर्नल। कोई की ताकत नहीं है कि इसको मिटा सके। यह सनातन है, यह नूतन भी नहीं है, यह पुरातन भी नहीं है, यह सनातन है। किसी की ताकत नहीं इसको मिटा सके। लेकिन हम सनातनी है तो सनातनी के नाते हमें जानना चाहिए कि क्या हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, कितने वेद है, कितने उपवेद है, वेद के कितने अंग है, कितने दर्शन शास्त्र है, कितने आचार्यों की, देर आर सो मेनी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, वो कौन कौन है जानना चाहिए। जानो मेरे हिंदू भाइयों, कई लोगों को भागवत और भगवत गीता में क्या अंतर है ये पता नहीं है। गीता के अध्याय कितने हैं, रामायण के कांड कितने हैं, महाभारत के पर्व कितने हैं पता नहीं। बच्चों को तो पता नहीं, बच्चों के बाप को पता नहीं है। और इसलिए जब दूसरे धर्म वाले हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो हमारे बच्चे मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। ये जानोगे नहीं तो कैसे कहोगे गर्व से कि हम हिंदू हैं? गर्व से कहना है हिंदू है हम, तो ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। इसलिए कथाओं में ये तुम्हें नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? तुम्हारी ये तैयारी होनी चाहिए। ये मंत्र और ये त्रोटका और तुम्हारा दुख दूर हो जाए, इसलिए हिंदू। छोटी छोटी बातों में रहोगे क्या? मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, ये भी एक उपाय है। और कोई तकलीफ है तो दूसरे लोग तुम्हें भरमाए और उस धर्म में ले जाए, कन्वर्ट करे उसे। हमारा हनुमान सबसे श्रेष्ठ है, उसकी शरण में जाओ। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। निश्चित रूप से हनुमान जी तुम्हारी सुनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी श्रद्धा से जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। लेकिन अपने छोटे छोटे दुखों और संकटों के चलते ही बैठा है संकट मोचन काशी में। लेकिन हनुमान जी तुम्हारे संकट को तो दूर कर देंगे, लेकिन हनुमान जी वो तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो फिर बाद में कहेंगे बेटा हो गया सब काम तुम्हारा, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, अब इधर बैठ, जान ये सब समझ। हनुमान जी नवो व्याकरणों के ज्ञाता है, परम बुद्धिमान, ज्ञानियों में अग्रगण्य। इसलिए उनसे कह सकते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये तीन दो, और दो ले लो हर लो, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु, ये तीन दो, और जिसके पास बल है वो बल देगा। अतुलित बल धामम, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि देगा। बुद्धिमताम वरिष्ठम, और जिसके पास विद्या है
जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देगा, तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ऐसे हनुमान जी। इधर उधर भटकना नहीं, कोई लोग बहकावे, बहकना नहीं, मुंह तोड़ जवाब देना। सनातनी ऐसा मजबूत होना चाहिए, तुम्हारे पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक आदमी सीधे साधे साधारण घर में रहता था, इतना कर्जा ले रखा था, अब तो दुकान वाले भी उसको उधार देने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता। एक दिन एक संत उसके घर आए, उसने भक्ति भाव से जितना कर सकता था स्वागत किया, लेकिन प्रेम से किया। महाराज दरिद्र हूं, दुखी हूं, जितनी भक्ति बन पड़ी, सेवा बन पड़ी, हमने करी, महात्मा समझ गए कि इस आदमी के चेहरे पर जो तेज है ये गरीब होना तो नहीं चाहिए, ऐसी दरिद्रता। पूरे घर में महात्मा ने एक दृष्टि करी, कहीं टूटी हुई खटियां, कहीं पुरानी एक कुर्सी, मिट्टी के बर्तन, एक अलमारी पुरानी, अलमारी का भी एक पाया टूटा हुआ, तो उसके नीचे एक पत्थर रखा था कि अलमारी लुढ़क न जाए। उस पत्थर की ओर दृष्टि गई साधु पुरुष की, बोले महाराज क्या देख रहे हो? बोले वो अलमारी के नीचे क्या है? बोले महाराज जी वो टूट गया एक पाया, तो लुढ़क रही थी, तो उसको आधार देने के लिए वहां पत्थर, पुराना पत्थर हमारे घर में है, बाप दादा के जमाने से, तुम्हारा रख दिया, इधर लाओ, उसको इधर लाओ। बोले महाराज क्या करोगे? लाओ तो। वो महात्मा जौहरी रहे, फिर साधु बन गए थे, तो आंख उनकी वो वाली थी, इधर ला। वो पत्थर इतना सा, महात्मा ने थोड़ा उसको साफ किया, आंखें चमक उठी, और महात्मा बोले, ए पागल, तू इसको पत्थर समझ रहा है? तुझे पता नहीं है ये क्या है, इसलिए तू दरिद्र है। हकीकत यह है कि तू अरबोंपति आदमी है, यह बड़ा मूल्यवान रत्न है, आज इसकी कीमत करोड़ों में नहीं अरबों में होती। महाराज सच में? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती बेटा, जिंदगी मैंने इसमें लगाई है, फिर साधु बना हूं सब कुछ छोड़कर, ये बड़ा मूल्यवान रत्न है। वही फटा हुआ कुर्ता था, लेकिन हाथ में उस पत्थर को लेकर के, उस रत्न को लेकर के, मैं अरबपति। दरिद्रता का भाव गया। महात्मा ने नहीं समझाया था, तब भी वो पत्थर उसके पास था, अलमारी लुढ़क न जाए, उपयोग वहां हो रहा था। अब किसी ने समझाया, और जिसने समझाया वो जौहरी है, जानकार है, फिर तो इंश्योरेंस करा लिया, लॉकर में रख दिया, पहरा लगा दिया। अचानक से
दरिद्रता गई और अरबपति बन गया। उसी प्रकार हम सनातनियों के पास जो है उसकी हमको खबर ही नहीं है, हमको पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा तुम स्वयं अनुभव करोगे कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है विश्व में। बोलिए सनातन वैदिक धर्म की, सनातन वैदिक धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। ये मूल्यवान क्यों है? क्योंकि इसमें हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। हम किसी को काफिर वाफिर और किसी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, जो हम में न माने ये हम नहीं मानते। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। ये उदार विचारधारा जिस धर्म के पास है उस सनातन धर्म के अनुयायी हैं हम। हमारी रगों में ऋषियों का खून दौड़ रहा है। हमारे जैसा बड़भागी सद्भागी कौन है दुनिया में? इतना ऊंचा होते हुए भी हम अपने धर्म को किसी पर लादना बिलीव इसमें नहीं मानते हम। लेकिन कोई स्वीकार करना चाहे लो तुम्हारा भी है। लेकिन धर्म स्वीकार करने की चीज, स्वीकार करने का विषय, लादने का नहीं। धन की लालच देकर के कन्वर्ट किया जाए या भय दिखा करके कन्वर्ट किया जाए ये तो सबसे बड़ी अधर्मी, वो धर्म है ही नहीं, वो अधर्म है। धर्म स्वीकार करने का विषय, लादने का नहीं। सभी धर्मों के पास अपनी अपनी विशेषता है। हम सभी धर्म का आदर करते हैं लेकिन अपने धर्म की पूजा करते हैं। मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि सबकी मां को प्रणाम करो बेटा। और जिस मां ने मुझे सबकी मां को प्रणाम करना सिखाया है उस मां की मैं पूजा करता हूं। मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है कि सभी धर्म का आदर करो। मैं मेरे उस सनातन धर्म की पूजा करता हूं। इसलिए सभी धर्म के प्रति सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव, सर्वधर्म समभाव नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सर्वधर्म समभाव नहीं। नो, ऑल द रिलीजियंस आर नॉट इक्वल। नो, इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि सनातन वैदिक धर्म के पास जो उदारता और सहिष्णुता है वो किसके पास है? एंड दैट्स व्हाई नो, सब धर्म समान नहीं है। इसलिए सर्वधर्म समभाव नहीं, सर्वधर्म सद्भाव। क्योंकि मेरा धर्म मुझे सिखाता है सबके प्रति सद्भाव रखो, अच्छा भाव रखो, लेकिन अपने धर्म की पूजा करो। इसलिए सब जानो, पहले अपने धर्म को जानो, फिर और धर्मों के विषय में भी जानो। अब तो कंप्यूटर आ गया, अब तो कंप्यूटर क्या चैट जीपीटी, तुम्हें कोई लेटर भी लिखना नहीं पड़ रहा, ड्राफ्टिंग इज देयर, द कंप्यूटर इज वर्किंग फॉर यू, यू डोंट हैव टू डिवोट टाइम, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो काम कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ रहा है, सच थोड़े ही सालों में तुम निकम्मे हो जाने वाले हो। मतलब तुम्हारे हिस्से में, अधिकांश लोगों के हिस्से में
कोई काम नहीं रहने वाला। कुछ लोगों के हिस्से में ओवर टाइम करना लिखा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के हिस्से में कोई काम ही नहीं रहेगा। ये जमाना हम देखने वाले हैं। मतलब क्या करोगे, बात रही तो फिर खाना क्या खाएंगे, वो व्यवस्था हो जाएगी। मजे की बात यह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में भी तुम भूखे नहीं रहोगे, इनकम बनेगी। अरे आज भी सरकार तुम्हारे खाते में डाल रही है इतना पैसा, और इतने सालों से 5-5 किलो मुफ्त अनाज दे रही है। आने दो, वो समय आने दो, बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगा। 10 साल में दुनिया बदल जाएगी, और 20 साल में तो वो जिंदा रहेंगे तो देखेंगे, नहीं तो बच्चे तो देखेंगे ही। इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। तब क्या करोगे, मम्मम की कोई समस्या नहीं रहेगी, घर रहेगा रहने के लिए, भोजन मिलेगा, कपड़ा वपड़ा सब मिलेगा, और मनोरंजन वो तो क्या कहने, तुम्हारे इतने से टेलीफोन में, सेल फोन में सारे चैनल्स हैं। टाइम पास के लिए तुम्हें कहीं बाहर थोड़ी ना जाना है। इसलिए मैं कहता हूं, आने वाले सालों में विश्व की मानवता को अध्यात्म की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जितनी भौतिकता बढ़ेगी उतनी ही तुम्हारी आध्यात्मिक अनिवार्यता बढ़ेगी, तुम्हारी आध्यात्मिक जरूरतें बढ़ेगी। और आध्यात्मिकता के द्वारा यदि भौतिकता को तुमने संतुलित नहीं किया तो टूट के रह जाओगे। मन विक्षिप्त हो जाएगा, जीवन विष हो जाएगा। और इसलिए अभी से समझो और संभलो, आध्यात्मिक विकास की ओर जाओ। अध्यात्म में रुचि लेने लग जाओ। कोई त्रोट का, कोई रुद्राक्ष की माला, कोई मंत्र, संकट दूर हो जाए। ये नहीं है कि समस्या बढ़ी है, समस्या नहीं बढ़ी है, तुम्हारी सहनशीलता घटी है, हकीकत यह है। इमोशनली तुम वीक हो रहे हो, बुद्धि के मामले में बहुत आगे निकल भागे जा रहे हो, बुद्धि के मामले में बहुत आगे निकल गए हो, लेकिन इमोशनली तुम वीक होते जा रहे हो, तुम्हारी सहनशीलता घट रही है, कम हो रही है। समस्याएं नहीं बढ़ी, सहिष्णुता घटी, और यही कारण है कि आत्महत्या का प्रमाण बढ़ रहा है। आदमी सह नहीं पा रहा है संकटों को, दुखों को। बिलीव मी, हमारे से ज्यादा झेला है हमारे पुरखों ने, हमारे से ज्यादा झेला है हमारे पिताओं ने, पिताओं से ज्यादा दुख सहन किया है हमारे दादाओं ने, लेकिन वो टूटे नहीं। क्यों? इमोशनली स्ट्रांग थे। आज हमारे दादाओं से और पिताओं से हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन फिर भी टूट टूट करके सुसाइड कमिट कर लेते हैं, क्योंकि इमोशनली वीक हो रहे हैं। इसलिए भैया अध्यात्म की शरण में आओ। मैं फिर से जहां से शुरुआत करी थी वहीं आकर के रुकता हूं। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कितना बड़ा आश्वासन, और वो भी लोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा। एकाद सीएम कुछ आश्वासन दे देता है तो भी हमको भरोसा हो जाता है, ये तो सर्वलोक महेश्वर परब्रह्म श्री कृष्ण कह रहे हैं।
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चिंता ना कर, डोंट वरी, आई एम देयर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और सब पापों से मुक्त कर दूंगा मतलब सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक न कर, तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण। गाते चले जाए, कहते चले जाए सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करें। समय पूरा हो गया है, कब का रुकना ही होगा, नहीं तो जिंदगी भर बोलते रहो तो भी पूरा होने वाला नहीं है। और नहीं तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, हो गया। पूरी भागवत चार ही श्लोक में सुना दिया जाता है, देवी भागवत तो और आधे श्लोक में, रामायण एक श्लोक में। ऐसी अद्भुत कथा है, ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं हमारे। कथा भी अद्भुत है, ये आयोजन भी अद्भुत है, यजमान भी अद्भुत है, आप लोग भी अद्भुत हो कि इतने प्रेम से इतनी तन्मयता से सुन रहे हो। हमारा राष्ट्र अद्भुत है, हमारा सनातन धर्म अद्भुत है, सब अद्भुत 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 आश्चर्यवत। देखें, दर्शन करें, आओ। और कल कृष्ण जन्म करना है वेदिका, पक्का बेटा कल ही? अभी मैं तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हूं, लेकिन यही मजा है ना, इसको यूं फैलाया भी जा सकता है और इसको यूं। विज्ञान कहता है अभी उसमें सफल नहीं हुआ, लेकिन यह संभावना विज्ञान भी स्वीकार करता है कि पूरे हवाई जहाज को एक मैच बॉक्स के अंदर फिट किया जा सकता, क्योंकि परमाणु एटम और उसमें स्पेस ही है। तो स्पेस को हटा दिया जाए तो मास की दृष्टि से देखे तो मैच बॉक्स में तो न जाने कितने हवाई जहाज अंदर आ जाएंगे। और फिर उसको यूं स्पेस अंदर डाल दी, हो गया बड़ा। इसलिए हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, अणु रणीयान महतो महीयान, वो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ऐसा हमारा परमात्मा, ऐसा परब्रह्म। आओ थोड़ी देर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Hare Rama, Hare Rama.
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा साथ आज के सत्र को यहां विराम दे रहे हैं, लेकिन इस सूचना के साथ कि कल यात्रा थोड़ी लंबी चलने वाली है क्योंकि कन्हैया आने वाले हैं, तो उस तैयारी के साथ आइएगा। भोजन प्रसाद तो यहीं सबको प्राप्त करना है, तो घर पे भी कह करके आइएगा, घर वालों को लेकर के आइएगा, वरना टेलीफोन कर दीजिएगा कि हम यहाँ बैठे हैं, आप भी आ जाओ। अब हालांकि पंडाल में तो जितनी व्यवस्था है जितनी इतने बैठेंगे, बाकी बाहर भी व्यवस्था करी, वहाँ लगा दिया ना बेटा, वहाँ
स्क्रीन वहां पर भी लगा दिए गए हैं, तो बाहर वाले हिस्से में भी आप वहां बैठ करके भी कथा श्रवण कर सकते हो। इस सूचना के साथ कि कल कथा थोड़ी और लंबी चलेगी, और लंबी चलेगी, और लंबी चलेगी, कितना 9 भी बज सकता है, 9:30 बज सकता है, बस उस तैयारी के साथ पधारना। आइए भाव और प्यार से श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सदगुरु भगवान। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जय श्री कृष्ण। कथा के प्रारंभ में दिल्ली की बात की थी। पूज्य गुरुदेव ने महाभारत की बात छेड़ी तो याद आया कि महाभारत में इसको इंद्रप्रस्थ भी कहा गया। और एक बात, दिल्ली में कथा जिस क्षेत्र में है उसका नाम द्वारका है, और द्वारकाधीश की द्वारका तो हमारे गुजरात में ही है। और श्रीमद् भागवत में द्वारिका और पोरबंदर का रिश्ता है, सुदामापुरी पोरबंदर, ये रिश्ता इस द्वारका से इस पोरबंदर में फिर एक बार जुड़ गया है। गुप्ता परिवार के श्रद्धापूर्ण मनोभावों से फिर उस घटना का पुनरावर्तन हुआ है, फिर एक बार द्वारका और पोरबंदर जुड़ गए हैं इस भागवत कथा के माध्यम से। आइए आरती की ओर चलते हैं। आज आरती के लिए अर्चना जी और अनिल जी, अक्षित जी और वेदिका जी, और साथ में सभी मेहमान जयपुर से पधारे हुए अरुण अग्रवाल और सीमा अग्रवाल जी, राजीव गुप्ता और शशि गुप्ता, शारदा गोयल, राकेश अग्रवाल, मधु अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, शांति अग्रवाल, विक्रम भरतिया, जयपुर से जो पधारे हैं, पूज्य गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव और भक्तिभाव रखते हैं अरुण अग्रवाल जी और सीमा अग्रवाल जी, उनसे भी निवेदन है कि यहाँ पधारे आरती के लिए। जिन जिन के नाम यहाँ से मैंने कहा है उन सभी मेहमानों से विनती है, आप जल्दी से मंच पर पधारे और भागवत जी की आरती में सम्मिलित हो। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, बैंड वालों के लिए इस तरफ हाथों पे बैंड लगा हुआ है उसके लिए, और बाकी सब भक्तों के लिए उस मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में व्यवस्था की गई है। गुप्ता परिवार की ओर से आप सबको सादर निवेदन है, प्रसाद लेकर जाइए। आइए आरती में सम्मिलित होते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, आरती बाल I'm not afraid.
जन को नव मीत चुरैया भागवत कथा के मनोरथी परिवार अर्चना जी और अनिल गुप्ता जी परिवार की तरफ से कथा श्रवण करने हेतु पधारे सभी भावकों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी वीआईपीज इनवाइटीज गेस्ट के लिए इस मंच की बाईं ओर व्यवस्था की गई है। बाकी सभी भक्तों के लिए इस्कॉन मंदिर में व्यवस्था की गई है, तो व्यवस्था में सहयोग करें और प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। हे हरि हे हरी
श्री हरि श्री हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि वो श्री हरि